तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। क्या शादी के बाद होने वाली है आलिया और रणबीर की पहली फाइट? क्या बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे मियां बीवी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जाट। दोस्तों, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इसी साल अप्रैल में 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंधे। दोनों जल्द ही मॉम डैड बनने वाले हैं, साथ ही दोनों पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। दोनों जल्द ही अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं, जो इसी साल 9 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसके लिए दोनों के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। वहीं सामने आई रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच जल्द ही ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। शादी के बाद दोनों बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से टक्कर लेने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर और श्रद्धा की फिल्म और आलिया और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने वाले हैं। इन फिल्मों के डायरेक्टर लव रंजन और करण जौहर दोनों ही अपनी फिल्मों को अगले साल 10 फरवरी में रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही फिल्में लव स्टोरी पर बेस्ड हैं। तो ऐसे में मेकर्स को वैलेंटाइन वीक से ठीक पहले अपनी फिल्मों को रिलीज करने की प्लानिंग की है। आपको बता दें, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का डायरेक्शन करण जौहर ने किया है, जिसमें धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी जैसे स्टार्स मुख्य भूमिका में है। वहीं श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की फिल्म भी रिलीज होने वाली है उसी दिन। आपको बता दें, लव रंजन इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कार्तिक आर्यन को आज के टाइम में एक्टर से स्टार बनाया, इसीलिए लव रंजन की फिल्मों और उनकी फिल्मों की स्टोरी लाइन को खूब पसंद किया जाता है। इन दोनों फिल्मों की रिलीज डेट क्या होगी, ये देखना अभी बाकी है। और जब ये मियां बीबी बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे तो कौन आगे निकलेगा, ये देखना भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है इस बॉक्स ऑफिस क्लैश का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।